हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2023 का आज का जो ऑफिशियल पेपर है सीटेट का। तो यहाँ पर पेपर वन में मैं लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को डिस्कस करूंगी। आपका जो लैंग्वेज वन इंग्लिश है, अगर आपने इंग्लिश ली है या अगर आपने एज अ लैंग्वेज टू ली है, तो आप लोग वीडियो को आगे स्किप करके भी देख सकते हो इसके राइट आंसर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या किसका आंसर होना चाहिए। और जैसा आपका इंग्लिश में लैंग्वेज वन पूछा गया है, सेम आपका हिंदी में भी आया हुआ है, तो यही सेम जो है हिंदी में आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग हिंदी का भी इसी के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी थी रीडिंग। रीडिंग के टाइप से क्वेश्चन आया था सब स्किल, तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है वो होगा डी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हिंदी में भी आया हुआ है, तो जितने लोग हिंदी वाला ये अटेम्प्ट करके आए हैं, तो जिन्होंने डी लगाया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। तो अगर हम फोकस कर रहे हैं लैंग्वेज पे, तो इसको कहा जाएगा सेल्फ मॉनिटरिंग। सो 92 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इन क्लास सेकेंड सिंग अ सॉन्ग हेड एंड शोल्डर्स नीज एंड टोज। अगर बच्चे यहाँ पे जो है बॉडी पार्ट को टच करते हुए भी सिंग कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है ये क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड है। ठीक है, तो TPR मेथड है जहां बच्चे बॉडीली मूवमेंट से सीख रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, बच्चे ग्रुप में वर्क कर रहे हैं और अपने ही आंसर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन का टाइप है वो होगा पीयर इवैल्यूएशन, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन ग्रुप्स। ग्रुप में वर्क करते हुए वो क्या कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 95 क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें जो ये जो पूरा सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आई रिमेम्बर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, उसके बाद 96 क्वेश्चन में अजर्शन एंड रीजन। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सेम क्वेश्चन आपका दिसंबर जनवरी 2022 में भी आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंजीत ऑफ क्लास फिफ्थ स्पीक्स इन डिफरेंट वेज टू हिज टीचर टू हिज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू टू ईयर ओल्ड चाइल्ड। अगर वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी सोशल सिचुएशंस, तो यहाँ पे प्रैग्मेटिक्स इसका करेक्ट आंसर था। जब हम भाषा को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट है, मदर notices दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज थिंग्स दैट शी हैज नेवर हर्ड। मतलब उसने कभी सुना नहीं है और वो शी इज कंफ्यूज्ड दैट शी बिलीव्स दैट चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाय इमिटेटिंग। इमिटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहेवियरिज्म। ये जो ओवरऑल जो बात कही गई है ये बिहेवियरिज्म के संदर्भ में हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर Children begin formal reading instruction and which provide the foundation. इसको कहा जाता है emergent literacy. मतलब कि भाषा को सीखने से पहले जो उनकी एक awareness होती है, उसी को कहा जाता है emergent literacy. Next है, grandmother loves to read out stories from books to a young children. मतलब कि जो grandmother है वो young children को क्या करती है, books के according सिखा रही है, तो इसको dialogue reading कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग हिंदी करके आए हैं, सेम हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो आप लोग हिंदी का भी मैच कर लेना। फिर आता है 101 क्वेश्चन में अप्रोच पूछा गया था, जहां पे हम बेसिक एलिमेंट लाइक लेटर और फोनीम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लेटर से और फोनीम से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो है ये बॉटम अप प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज को सिखाने का कैसा प्रोसेस है, बॉटम अप है। नेक्स्ट बताना था अजर्शन एंड रीजन में, यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल। तो इस 102 क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 103 क्वेश्चन है, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज मेनी स्टूडेंट्स ऑफन लैक कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज, हम क्या करेंगे, गेम लाइक एक्टिविटीज को यूज करेंगे टू प्रमोट दिस। ठीक है, सो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकैबुलरी। अगर वो वोकैबुलरी को प्रेजेंट कर रही, तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताना था। सो क्वेश्चन नंबर 104 का जो करेक्ट होगा वो ए होगा। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ाएंगे।
नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज अ मैटर ऑफ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्किल। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कैसा मैटर है, जहाँ पे हम कौशलों को सीखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया था एक पोइट्री, तो मैं पोइट्री रीड नहीं कर रही हूँ, केवल आंसर बताऊंगी। तो पोयम जो है वो किसको एड्रेस किया गया है, तो यंग वुमेन को किया गया, ठीक है, यंग वुमेन, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद द एग्जाम्पल ऑफ सन इज गिवन टू, जो सन का एग्जाम्पल दिया गया था वो पैसेज ऑफ टाइम को बताने के लिए दिया गया था, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट यंग एज, तो यहाँ पे जो यंग एज के बारे में पोएट ने बताया वो क्या बताया कि टाइम विल सून पास एंड इट इज अ टाइम टू फाइंड अ वंस लव। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 108 के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 109 क्वेश्चन में, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो गैदरिंग रोज बर्ड्स इज द सेम एज एंजॉयिंग वन्स लाइफ, और सेकेंड है कि द सन कांट कीप, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, बी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये और ये दोनों फॉल्स हो गया, ये आपका या तो सी होगा या तो इसका डी होगा। ठीक है, तो ये जो रोज बर्ड्स की बात की गई है वो भी प्लेजर्स एंड जो हमारी हैप्पीनेस है उसकी बात की गई है, तो यहाँ पे ए और ए जो है बोथ ए ट्रू हो जाएगा बट बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डी इसका करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टूडे, तो यहाँ पे फ्लावर को क्या बोला गया कि फ्लावर स्माइल करता है, यानी कि आपने क्या किया है परसोनिफाई किया है, तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है परसोनिफिकेशन, और 111 में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेटाफर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक हो गए क्वेश्चन, अब हम करेंगे पैसेज। तो एक पैसेज पूछा गया था पूरा ओवरऑल, इसमें जो फर्स्ट है इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पे इंजॉयबल के साथ टायरिंग भी हो सकता है और बिग रिस्क भी हो सकता है, मतलब इनकरेक्ट में मुझे बी और सी में से लग रहा है। ठीक है, और लेकिन अगर आप मुझसे आंसर पूछे एक आंसर पे जाने के लिए, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो इसका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 का आंसर जो होगा वो क्या होगा कि वो अलोन उसने ट्रेवल किया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही कारण बी। ठीक है, नो वन अग्रीड टू अकंपनी हर, तो इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉल्स, तो इनिशियली शी डिड नॉट लाइक टू गो अलोन, तो ये ठीक है, और शी वॉन्टेड ओनली अ फ्रेंड, तो यहाँ पे ए ट्रू है बट बी फॉल्स है। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, सो इसका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शी प्रैक्टिस ओनली फॉर अ डे बिफोर डांसिंग इन अ फेस्टिवल, तो उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और हॉर्स राइडिंग करेजियस है, ये भी ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस जो है वो हेल्प किया, तो यहाँ पे ए इसका जो है बी हो जाएगा, बी और सी करेक्ट है बट ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा 115 क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में आपको बताना है वॉकिंग इन अ नैरो एज वाज एन इजी टास्क, तो इसका जो है ए ही जो है नॉट ट्रू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। उसके बाद एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रेवलिंग सोलो वॉज, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है ये कौन सा क्लॉज है वो बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 117 के लिए जो आंसर होगा वो बनेगा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है बट, बताना था बट क्या है, तो बट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हो जाएगा कंजंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हेजिटेंट जो है वो बहुत हेजिटेंट हो रही थी, तो हेजिटेंट का जो करेक्ट होगा इसका जो अगर हम इसका नियरेस्ट देखें तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिलेशिंग, रिलेशिंग का चैलेंजिंग ट्रैक, तो इसका आपको ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट इसका हो जाएगा डी, डिसलाइकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो चुके हैं जिन्होंने लैंग्वेज वन ली थी। अब हम बात करने वाले हैं, देखो गाइज लैंग्वेज जिन्होंने भाषा एक हिंदी ली है तो सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग भाषा एक के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो आपके जो आंसर्स हुए, सेम ही क्वेश्चन सारे पूछे गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज टू इंग्लिश की। तो लैंग्वेज टू में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, आई होप आपको दिख रहा हो।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, द ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलईडी की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे मदर आज द टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, तो ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लेना अपने पेपर में, इसका बी होगा, इनेट एबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद अ टेक्निक यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी, तो यहाँ पे अर्ली लिटरेसी जहाँ पे एक अडल्ट और एक बच्चा आपस में बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको डायलॉग रीडिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो 122 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए है इसका करेक्ट। फिर आते हैं आगे, 123 क्वेश्चन में टीचर जो है वो लिसनिंग स्किल को डेवलप कैसे करेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद 124 क्वेश्चन देखते हैं, 124 में पूछा गया था कि एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ए तो गलत है, बी बिल्कुल ठीक है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो 124 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, ए गलत है बी सही है, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 124 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 125 क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीव्स की बात हो रही है, तो ये अप्रोच है। ठीक है, ये क्या है, अप्रोच है, तो आंसर हो जाएगा अप्रोच। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आंसर हो जाएगा बी, ऑनगोइंग डेवलपमेंट है और इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद टीपीआर की बात हो रही है, टीपीआर मेथड में सबसे बेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम हमेशा टीपीआर में इंश्योर करते हैं टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज, यहाँ पे बच्चे बॉडीली एक्टिविटी से हम यहाँ पे उनको पढ़ाएं। ठीक है, तो डी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 128 क्वेश्चन में अप्रोच पूछा गया था टू ग्रामर दैट एनकरेजेस द बिलीव दैट लैंग्वेज लर्निंग इज द मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स, रूल्स की बात कहाँ की जाएगी, तो डिडक्टिव तरीका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच। उसके बाद 129 में टीचर प्लानिंग कर रहा है एक फ्री राइटिंग को कराने के लिए, तो फ्री राइटिंग यहाँ पे हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, फ्लुएंसी पे, तो बी हो जाएगा इस 129 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। उसके बाद 130 क्वेश्चन में टॉप डाउन बोला गया कि हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो बॉटम अप का मीनिंग पूछा गया है, तो बॉटम अप क्या करता है, हमेशा वर्ड्स एंड फ्रेजेस की बात करता है, तो बॉटम अप का 130 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों लैंग्वेज टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स। ठीक है, उसके बाद अ यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक होल्ड्स इट राइट अपसाइड एंड टर्न्स द पेजेस, तो इसको कहा जाएगा एमरजेंट लिटरेसी स्किल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 132 क्वेश्चन के लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ अजर्शन और रीजन से, तो अजर्शन है कि लर्नर एक्वायर लैंग्वेजेस सिंस दे हैव जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है और सेकेंड वाला सही है, तो इसका हो जाएगा ए इज ट्रू बट ए जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा 133 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अजर्शन और रीजन में क्या है, ए गलत है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट कोई प्ले रोल नहीं करता है, तो ए गलत है बट आर सही है। नेक्स्ट है वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे होल लैंग्वेज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कम्युनिकेटिव भी हो सकता है, लेकिन रीडिंग की अप्रोच पूछ रहा है, तो होल लैंग्वेज ज्यादा बेटर यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि बोर्ड इसका क्या मानता है, डी भी मान सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका ए है। फिर है दी एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो इसको कहा जाता है मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मेटा लिंग्विस्टिक, जब एक बच्चा अपनी खुद की ही भाषा पे विचार करता है। अब आते हैं पैसेज पे, तो ये एक पैसेज पूछा गया था, इसमें 136 से देखते हैं, फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड, इसका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 136 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स बताना था इसमें, तो 137 क्वेश्चन के लिए ए हो जाएगा, सी और ए तो ट्रू है बट बी जो है वो गलत है, क्योंकि हॉट टी की बात नहीं की गई है, हॉट कॉफी की बात की गई है पैसेज में, तो इसीलिए बी जो है वो गलत यहाँ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इसका ए था, 138 में आपको रॉन्ग बताना है, तो यहाँ पे रॉन्ग जो है वो क्या हो जाएगा, बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई बहुत कम लोग हैं जो जेलस थे, है ना,
तो यहाँ बी हो जाएगा, बी जो है वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं 139 पे। 139 है ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। तो जज जो है वो इवन जज रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल एक्यूमेन, तो ये भी ठीक है एंड यहाँ पे भी ठीक है। तो दोनों यहाँ पे 139 में दोनों ही क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 139 क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कोहरेंट का बताना था, तो इसका रीजनेबल होगा 140 का डी हो जाएगा। 141 में कंटेनिंग जो वर्ड आया है ये वर्ब है, तो बी हो जाएगा। 142 में वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर में प्रिंसिपल होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 142 के लिए। लास्ट पैसेज देखते हैं इसका, लास्ट पैसेज है 143 का, देखेंगे क्या होना चाहिए। तो 143 का आंसर जो है वो ट्रू बताना था, तो 143 का जो ट्रू होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 144 का जो आंसर था वो सी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था इसका। 145 देखते हैं, 145 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी राइट है बट सी जो है वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 146, तो 146 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बी राइट है बट ए गलत है, ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उनके पास ट्रैक्टर नहीं था बड़ा, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। 147 में ट्रू फॉल्स बताना है, तो इसका ट्रू 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 और फॉल्स होगा, ठीक है, तीनों ट्रू है ऊपर वाले लेकिन लास्ट वाला जो है वो गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 148 में हु वॉज अ फार्मर करके आया था, तो एडजेक्टिव क्लॉज है ये जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो हु वॉज अ फार्मर जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा। फिर फॉर बताना था, तो प्रेपोजिशन हो जाएगा फॉर, 149 का बी हो जाएगा। और 150 जो पूछा गया था, गैरेट का जो दूसरा नाम है वो लॉफ्ट होगा, तो डी हो जाएगा इसका, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आई होप कि आज की इस सेशन में, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपके राइट गए हों, ठीक है। अपने मार्क्स आप लोग जरूर बताइए, और एक आधा क्वेश्चन में आपको वेरिएशन मिल सकता है जब फाइनल आंसर की आएगी, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं डाउटफुल जिसमें बोर्ड आंसर अपना अलग मान सकता है, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो एकदम सही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई और आपको डिमांड हो किसी और सब्जेक्ट की तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, मैं उस पर कोशिश करूंगी कि उसके भी आंसर की मैं डिस्कस करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।